Hello student, today we are going to draw and color peacock. So let's start. तो बच्चों हमने मार्जिन ड्रॉ कर लिए, अब हम टॉपिक लिखेंगे. तो बच्चों टॉपिक हमने मयूर लिख दिया है, अब हम ड्रॉ करेंगे. तो पिकॉक को ड्रॉ करने के लिए एक हमने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, प्लांट लाइन 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे. हल्का सा डिस्टेंस करके देखिए कर्व जो हमें यहाँ पे ज्वाइन करेगा. अब हम पिकॉक का नेक ड्रॉ करेंगे, इसके लिए भी आप स्केल से लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए बच्चों कर्व लाइन को हमने डार्क कर दिया है, अब हम पिकॉक का फेदर ड्रॉ करेंगे, उसको भी हल्का सा कर्व करके और यहाँ कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे. हल्का सा डिस्टेंस में भी मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से हम हमारे पीकॉक के फेदर ड्रॉ हो जाएंगे. अब बच्चों हम पीकॉक का फेस ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लाइनिंग देखिए हमने करी है इसके हेड के लिए और ये वन लाइन हल्का सा इस लैंड लाइन कर दिए तिरछी. अब इसको इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन करेंगे. अब हम यहाँ पिकॉक की बीक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आईज स्मॉल सर्किल में. देखिए बच्चों अब पिकॉक का बीक बन चुकी है, अब हम इसकी कलगी ड्रॉ करेंगे. इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, देखिए 2 and 3, 4 and 5. अब हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम बाद में कलर से फिल करेंगे. अब बच्चों हम पिकॉक का फेदर ड्रॉ करेंगे और पहले इसके हम इसमें डिजाइन भी ड्रॉ कर दें. वेव की तरह लाइनिंग इस तरह से कर में ड्रॉ कर देंगे. नेक में भी हम कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप. अब हम इसका फेदर ड्रॉ करेंगे. फेदर के लिए पिकॉक का फेदर ड्रॉ के लिए इसने पहले 3 ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, देखिए 1, 2 and 3. अब बच्चों डिजाइन के लिए एक एक ट्रायंगल हम इसके अंदर और ड्रॉ करेंगे. अब हम फेदर ड्रॉ करेंगे, इसके लिए देखिए बच्चों एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है. इसी तरह से तीनों ट्रायंगल के ऊपर हम एक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे, देखिए हमने लीफ ड्रॉ कर दिए सिंपल. डिजाइनर पिकॉक है तो हम इसमें किसी भी डिजाइन से कंप्लीट कर सकते हैं और हल्का सा कर्व करते हुए इस तरह से और वन स्मॉल सर्किल. इसी तरह में तीनों फेदर को कंप्लीट कर दें. देखो बच्चों फेदर कंप्लीट हो गया है, अब हम पिकॉक के लेग ड्रॉ करेंगे. इस तरह थोड़ा बेग
और देखिए बच्चों एक साइड में स्मॉल, और अब देखिए इसको हमने हल्का सा इस तरह से लाइनिंग करी बैक में, ये ज्वाइन करा है। और अब बहुत ही सिंपल ये देखिए इस तरह से करके ये ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा ये हल्का सा बे, देन इस तरह लाइनिंग करी है, और अब देखिए इसको भी हम सिंपल वी के तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब बच्चों पिकॉक का हमारा लेग ड्रॉ हो गया है, अब हम नीचे का ग्रास बैकग्राउंड स्कर्ट ड्रॉ करेंगे। ग्रास और इस तरह कलरिंग में हम ग्रास से ये सारा बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे ब्लैक स्केच पेन से। जब हम स्केच पेन से आउटलाइनिंग कर देते हैं तो कलर करने में फिनिशिंग आ जाती है। देखिए बच्चों पिकॉक में ऑल आउटलाइनिंग हो गई है, अब हम कर्लिंग करेंगे। और कर्लिंग में बच्चों आपके पास क्रियॉन्स कलर एंड पेंसिल कलर्स जो भी हैं आप उनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके नेक को कलर करने के लिए ब्लू कलर लगा रहे हैं इसमें। इसके फेदर में भी हम ब्लू कलर लगाएंगे। और देखिए बच्चों इस तरह से हम शेडिंग में कलर करेंगे कि यहाँ पे हम डार्क कर रहे हैं ऐसे। देखिए प्रेस करके हाथ को करेंगे तो ये बहुत डार्क कलर आएगा। और बहुत ही हल्के इस तरह से करेंगे देखिए तो लाइट आएगा। लाइट एंड डार्क की हमने यहाँ पे शेडिंग कर दी है। अब हम इस फेदर में यहाँ पे डार्क रेड कलर लगाएंगे। देखिए बच्चों इसके फेदर में भी हमने यहाँ पे ब्लू कलर करा था, इसमें हम रेड की हल्की सी शेडिंग कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों जो रेड कलर की शेडिंग करी थी वो हमने इसके से इस तरह से थोड़ा सा लाइट कर दिया है। अब बच्चों देखिए ये हमारे क्योंकि ये डिजाइनर पिकॉक है तो हम इसकी वेव जो है इसको ब्लू कलर से करेंगे। वेव कलर हो गए बच्चों, अब हम पिकॉक में लाइट ग्रीन कलर से इसमें कलरिंग करेंगे इसके फेस में और फुल यहाँ नीचे बॉडी तक। पिकॉक के स्टमक में भी ग्रीन कलर हो गया, अब हम इसके लेग में ब्राउन कलर करेंगे। लग कलर हो गए। अब देखिए बच्चों पिकॉक की कलगी में हम कलर करेंगे, इसके लिए हम रेड स्मॉल सर्किल एंड येलो से आउटसाइड। पिकॉक की बीक में भी हम रेड कलर करेंगे। बच्चों देखिए इसके फेदर में जो हमने बनाए हैं डिजाइन उसमें हम रेड कलर से आउटलाइनिंग करेंगे। और डार्क ग्रीन यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर करेंगे और अंदर आपका ये लाइट ग्रीन। देखिए डिजाइन हमने कलर कर लिया, अब हम इसकी लीफ में ग्रीन कलर से डार्क ग्रीन से कलरिंग करेंगे। कलर हो गया बच्चों,
अब हम इसके ट्रायंगल जो बनाएंगे इसमें कलर करेंगे रेड और ब्लू। ब्लू से ये लाइनिंग कर रहे हैं, डार्क ब्लू देखिए। उसके अंदर कलर करेंगे रेड कलर से। देखिए बच्चों फैदर हमारे कलर हो गए हैं। अब हम बैकग्राउंड में ग्रास, नीचे ग्रास में कलर करेंगे। इसमें बच्चों देखिए डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन एंड येलो एंड ब्लैक, इनसे हम ग्रास में सेट करेंगे। देखिए और कहीं कहीं भी बच्चों हमने ब्लैक कलर का भी यूज किया है। देखिए बच्चों हमने ब्लैक रेड येलो के कॉम्बिनेशन से आपकी ग्रास भी कलर कर दी है। तो बच्चों आप भी पीकॉक को अच्छे से ड्रॉ करके कलर करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ओके बच्चों।